थोड़ा कई मीटर या दरखास्तों का थोड़े बांध रखे तुमने, मैं कोई जी मैं तो जाऊंगी, एक डॉक्टर तो ठीक नहीं हूँ तो मैं तो अगला कन भी जाऊंगी, मेरी कोई ना सुनाई करेगा तो मैं जाऊंगी, मैं तो विश्वा कन जाऊंगी। ने बोलो जाके तो फिर जा, बोलो न टंगवा जाऊंगा, वो कब्रसैन बोले तेरे को टंगवा दूंगा मैं, मको दी टंगवा दिए, मेरी गलती हो ने तो मैंने वैसे टंगवा दिए, मेरी गलती है नहीं से तो मैं किसी को निर्दोषी नहीं करूँगी। बोला उसका नाम लेना ही पड़ेगा तुमने, उसका तो नाम लेगी जारली वाले का उमेश का, मैं जी क्यों लूँगी, मेरा क्या मैटर है उसके साथ, ये बताओ। बोले लेना पड़ेगा, हमने कह दी नहीं तो तुम्हारा मुकदमा दर्ज मन कर चुका है और माँ बेटियों को और उस उमेश को तीनों को भीतर बंद कर दिया। मको जी व्यस्त कर दिए उन्हें जी तकत कर दिया कि पहले तो मारे मेरे पुलिस वालों ने, हाँ पुलिस वाले उठा खड़िया तीनों जना, वो चौकी वाले भी और दोनों वह जोरावर और वो कब्रसैन और वो दो लेडी पुलिस, बोले मारो इनको कुआर बंद कर, उन्हें खड़िया खड़िया पिटवाया सब दोनों माँ बेटी, फिर जी मैंने हाथ पाँच वर्ष में जी हम दोनों को नहीं, बोले दाड़ली चलना पड़ेगा तेने, बोले दाड़ली और उनका घर ने जाके नू कहेगी अब तेरा बेटा ने पेश कर और वो हाजिर कर। मैं जी मैं तो को कहूँगी अब तेरा बेटा ने पेश कर हाजिर कर, मैंने जी मैंने के मतलब उसको नहीं बताओ। मैं बोलो नहीं तो हमारे साथ तो चल था लेकिन कहीं मैं ना कहूँ मत यह बात, बोले हमारे गैल तो चल लगी, मैं कभी गैल चल के हमने कह जाऊँगा यो रहे हो तू जान ये जान मारो कोई मैटर को नहीं इसका बीच में। नहीं बोलो लियानो पड़ेगा नामक लियान की मेरी गारंटी को नहीं, हमारे कोई मतलब है कोई तू लियाऊँगी मैं ठीक ये करती जी। और उसने वो एक पुलिस ने आपके साथ मारपीट की, हाँ मारपीट करी मेरा मारी मेरा मार की मैंने जिन माथा जोड़ की ने, बोले उसको बूढ़े को टो की लिया पाँच दिन के भीतर। आप जो कागज बता रही थी क्या, हाँ वो कागज है उसको रचान पर उसने मेरा गुट्ठा टिकवा लिया, पूरे कागज दस्तक करवा लिया, हाँ गुट्ठा टिकवा लिया पुलिस वालों ने, हाँ पुलिस वालों ने। और उसने जोरावर नर कब्रान उस चौकी वाले पुलिस वाले इन तीनों था वह तो कर मिला लिखो ठीक है। फिर वो बोले बूढ़ी मैं कहाँ देख लिए, बोले ई भाई नहीं तो मैंने अल्लाह की कसम। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ जी, फिर या ले ली या घेर ली तकट पा दी, फिर इसका बेटी, हाँ फिर इसका मारी, फिर या जी खूब रो राती नीचनी बार में, फिर एक और भी आ जाने बोले मारो मारो इनका मारो, मैं बोली जी जान तो मार लिया पकड़ की बाढ़ का नीचे घेर ली और वल्लाह तुम्हारी गई, मगर जी अमीर जी बेशक मार लो माँ बेटियाँ जान तो मार दो मारा जी, और को मैं इसका नाम लिया रखो हमने झूठी की सच वो करा नाम उसने बता निर्दोष क्यों करा जी उसको मारा कोई मतलब कौन बलानी से इसका नाम लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जी बलाना गांव का ओम प्रकाश का लड़का और वो है इसकी बाण का जेठ का लड़का है, उनकी अर्जी इसकी उमेश की कोई रंजिश होगी मैंने क्या पता है, वो भी मेरी वहाँ बेटी का जाता है सिरोज गरीवाड़ी वाली से उसका संबंध है, वह कहती है मेरी पांचों लड़की आकर आज आंट मार है तू ऐसे कर तेरा बाप का मैटर में ले ले उमेश ने और भीतर करवा दे मारा बुढ़ा नहीं यो थोड़ी क्या है यो ये है मन घर में जी बड़न नहीं दी मन मारने का खतरा है नुकस माँ बेटियाँ ने मरवाएंगे तुमने, ये बताओ मैं कहाँ जाऊँ मेरा घर छुप गया। आपका नाम क्या है, सुनीता, थोड़ा सा इधर देखो आप सुनीता, इधर देखो कैमरे की तरफ देखो सुनीता, हाँ जी क्या आपके साथ भी कोई बात जी, नौवा भिन्ना की बात है 23 तारीख को, चलो वो बात तो आपकी माँ ने बता दी ठीक है, आगे आपके साथ क्या हुआ। मेरे साथ ही हुआ जी, मेरे पास फोन किया तो बोला कि आ जाओ आप थाने के अंदर आ जाओ, मैं बोली जी क्यों आ जावा, जने बोला नहीं तुम्हारा मुकदमा दर्ज कर दिया, मैं बोली ठीक है जी आ जाएंगे कोई बात नहीं है, मैं नहीं पहुँचने पाई जी उस टाइम, मैंने माँ एडमिट करवा दी, मैं बोली इसके मारी मूरी मैंने करवा दी फोन था उसमें सरकारी में, उन्हें भी कोई वो नहीं किया, फिर बोला ठीक है तो आई क्यों नहीं, मुझे कोई बात नहीं आया तो हम टाइम नहीं लगा हमारा, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ठीक है, दूसरा दिन बुला लिए ना कल आ जाओ तो आप, मैं ठीक है जी कल आ जाएंगे कोई बात नहीं, गए जी हम गाँव वाले गए, सरपंच नहीं गया उस टाइम तो बोला ठीक आ गए, तो गाँव वाले ने कह के ना उन्हें सारे ने बोला कि बताओ आप, मैं बोली जी हम तो झूठा नाम किसी का नहीं लेंगे, जिन्होंने बोला क्यों नहीं लेओगे लेना पड़ेगा, मैं बोली नहीं लेंगा, एक तो घर से हमारा आदमी बाप खूर है और हमारे से नाम लिवा रहे हो आप, मैं बोली जी हम झूठा नाम नहीं लेंगा किसी को निर्दोष नहीं बनाएंगे, जिन्होंने बोला क्यों तुम्हारा क्या रोल है उसमें उमेश में, बोले हमारा कोई मैटर नहीं है उसमें ठीक है, जिन्होंने बोला ठीक है तो हमारे एक काम कर दो, बोलो अनिता मैडम आप आओ यहाँ, बोले क्या कौन है लेडीज पुलिस बोन थाने की बात है, बोले यहाँ आओ इनको भीतर ले जाओ, अरे वो जो छोटा का तेल लगा रखा इनका रोमांड लो, गांव वाले बैठे
मैं उन्होंने बोला बता दे बुढ़िया सच। बोली माँ, उन्होंने हमारे जान काट लो, हमारी कोई वो नहीं है जी, हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोले, जो बात होगी जैसे ही कहेंगे। हम झूठा नाम लिया तो हम पाचा का ले सकते थे, हम किसी का भी ले सकते थे, हम झूठ किसी का नहीं नाम लिया, ठीक है। फिर वहाँ लात मुक्का माँ के मारा, उन्होंने मेरे लेडीज पुलिस ने मारी, तकत पे गिर ली, मैं नीचे गिर ली। उन्होंने बता दो, फिर आगे तीन पुलिसिया, एक तो कब्रसैन, एक जोरावर और आगे कोरा का मैं नाम नहीं जानती, आगे तो उन्होंने बोला इनका लो अनिता मैडम का रिमांड लो इस गुड़िया का और इस लड़की का सुनीता का। उन्होंने बताई क्या चाहती है तू, बताएगी कि नहीं बताएगी, जान निकाल लो, हमारा कोई दोष नहीं है, नहीं किसी का नाम लेवा, नहीं किसी का, ठीक है। तो बोली बता देगी, और आप नहीं लियाओगे बूढ़े ने तो हाँ, यूँ सोच रहे तो हम तीनों भीतर जाएंगे, मन जी बेशक दे दो भीतर, हम ना जो कसूर है ना तो बेशक दे दो, हमारा कोई दोष नहीं है और नहीं उसका। बोले तम उमेश को लिया दो और उमेश नो कर दो, मन जी नहीं लिया, हमारा कोई रोल ही नहीं उसमें, ठीक है। उसने क्या करा जी, उसने साइन झूठे से साइन करवा लिए। उन्होंने बोली आखिर बोल, मैं बोली जी हम नहीं जाएंगे किसी के घर, ना हम जानते उसको, मैंने जाना पड़ेगा, कैसे नहीं जाएगी, नहीं दिखा नहीं छोटा। मैं बोली जी छोटा क्यों, मार लो जान से, हम नहीं वो जाएंगे उसके घर, जाना पड़ेगा, ठाडा मंद आवे। और उसने बुढ़िया से गूठा टिकवा लिया और मेरे से हाथ पकड़ के साइन करवा ली उसने। बोली हम ले जाएंगे, हम के ताकत है नहीं जाओगी, ठीक है जी कोई बात नहीं, चल लो जी, हमने जो सजा दे दो, हमने कोई कसूर नहीं करा जी, तो कोई बात नहीं। फिर ने बोली थम वहाँ गई, कोर्ट में गई, उसका दरखास्त लगाई, वहाँ गई वहाँ गई, हम क्यों जाती हो, मखू जी जाएंगे, हमारी कहीं नहीं सुनाई होगी तो हम जाएंगे। दर्शकों जो आप देख रहे हैं, ये चरखी दादरी जिले के अचीना गांव की है और इनकी समस्या है, इनका पति है, ये जो सुनहरी है इनका पति है जो देवकर्ण है, जो दिमागी रूप से बीमार है और वो काफ़ी दिन से घर से गायब है, 23/9/2022 से गायब है और अभी तक नहीं मिला है। और इसने बताया है इसकी जो दूसरी बेटियां हैं, जो सुनीता के अलावा दूसरी बेटियां, इसको मारपीट भी करते हैं, थाना में भी मारपीट की, बोंद थाने के अंदर बोंद लेडी पुलिस ने भी मारपीट की और पुलिस के अधिकारियों ने भी बड़ा डराया धमकाया और कोरे कागजों पर साइन करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है, देवकर्ण का अभी तक पता नहीं चला है। और इसकी समस्या यह है कि पुलिस बार बार इसे परेशान कर रही है, पुलिस कह रही है कि यदि तू, ये उमेश नाम का लड़का है, इसका नाम इस मामले में नहीं लेगी तो तेरे साथ ठीक नहीं होगा और तेरी मार पिटाई करेंगे, तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। तो दर्शकों आपको कैसा लगा, आप अपने कॉमेंट्स ज़रूर भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।